गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली इन उदयपुर। आज का है पांचवा दिन, आज है 26 जुलाई। अभी बजे हैं 8:30, 8 बजे पहुंच गए थे हम, जस्ट हमारे होटल में आए हैं, होटल कासा बाय द लेक। सो दिस इज़ द सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस है, उसके बिल्कुल पास में ही हमारा होटल है, ये होटल कासा बाय द लेक। और यह है पिचोला लेक, ये कोई पैलेस है यहाँ पे लेक के बिल्कुल बीचों बीच, मुझे नाम नहीं पता, बाद में मैं बता दूंगा, बट दिस इज द लेक पिचोला। और व्यू देखिए काफी बढ़िया। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं रोपवे की तरफ, सिटी पैलेस बहुत पास में हमारे, बट सबसे पहले हम रोपवे कर लेते हैं, सिटी पैलेस हम कर लेंगे थोड़ी देर बाद या फिर रोपवे होने के बाद। भैया रोपवे के लिए यहीं से जाते हैं? हाँ ओके, थैंक यू। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, क्या ज़्यादा इश्यू। नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, भाई सब लोग ऊपर जाने के लिए ऑटो कर रहे हैं, हम दो ही हैं जो पैदल जा रहे हैं ऊपर तक, देखते कितना दूर और कहाँ तक जा पाएंगे पैदल, बट ठीक है आज चल लेते पैदल, कल से ऑटो कर लेंगे। ए हेबक फूल गैलरी भी है, तो वो भी देख लेंगे रोपवे से आने के बाद। प्राइवेट का कुछ तो भी 500 रुपीस था टिकट, 600 5 मिनट वेट है, ओके वेटिंग है। तो यहाँ से रोपवे जाएंगी, यहाँ ऊपर में, और टिकट में इंक्लूडिंग आना जाना दोनों है। ओके लेट्स गो गाइस, निकल रहे हैं, यहाँ पे आ जाए, लेट्स गो गाइस। चालू हो गई, पूरी कर सकते वीडियो बना सकते हैं, लो चले। आगे में एक है और एक पीछे साइड भी है। गाइज ऐसा था रोपवे, एक मिनट भी नहीं लगा ऊपर आने के लिए। सो जो
आगे में जो और एक लेक दिख रहा है उसे कहते हैं फतेह सागर लेक। भाई यहाँ से व्यू काफ़ी शानदार है, देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया व्यू आता है यहाँ से, पूरा उदयपुर सिटी दिख जाएगा इस साइड में भी और इस साइड में भी। चलो गाइस नीचे जा रहे हैं, नंबर लग गया। यहाँ से नीचे गाइस ये था अपना रोप वे केबल कार के थ्रू। 3D फोटो म्यूजियम देखेंगे क्या है अंदर जाके। वे भी हो गया और जो आइल्यूजन था वहाँ पे भी जाके आ गए। टाइम पास है, जा सकते हो बट मैं तो रिकमेंड करूँगा मत जाओ, उससे अच्छा तो रोपवे की टिकट निकालो, दैट्स इट। बट ठीक है, ऐसे ही मस्ती मज़ा के लिए अच्छा है। अभी सिटी पैलेस जाएंगे, आ गए नीचे, अभी उधर से थोड़ा सा घूम के उधर से जाते हैं क्योंकि पिछला वाला रास्ता तो थोड़ा सा लॉन्ग कट था, इधर से शॉर्ट कट है, इधर से जाएंगे। ओके गाइस अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस, 330 पर पर्सन का टिकट है तो इसमें म्यूजियम भी इंक्लूड है। अगर आपको म्यूज़ियम नहीं जाना है तो शायद से टिकट कम है थोड़ा सा, बट यहाँ पे आप बोट राइड भी कर सकते हो, उसका 800 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और पैलेस है, ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटा लग जाता है पूरा देखने के लिए। अभी बजे है 3:30, 6 बजे तक बंद हो जाएगा, 2.5 घंटे में जितना हो सका है उतना कवर करने की ट्राई करेंगे। इस साइड में बोट राइड, इस साइड में सिटी पैलेस। ये पैलेस बनाने के लिए 400 साल लग गए थे और ये इंडिया का सेकंड मोस्ट सबसे बड़ा पैलेस है मैसूर पैलेस के बाद। गाइस सिटी पैलेस के अंदर आ गए हैं, महाराणा प्रताप कक्ष। सो ये महाराणा प्रताप का आर्मर है, इस साइड में शील्ड और कुछ स्वॉर्ड्स भी रखी हुई है और यहाँ पे आप देखोगे
उनके कुछ एरोज है और वो भी रखा हुआ है। ये सब वो लड़ाई में यूज़ करते थे। ऊपर में आप देखोगे उनका भाला भी रखा हुआ है जो कि सोने से बना हुआ है। और इनका वेट, टोटल वेट था 35 kg। तो हर लड़ाई में ये 35 kg पहन के जाते थे। सो इसे कहते लखु कुंड। जब भी कोई राजकुमार नए राजा बनते थे तो यहाँ पे 1 लाख चांदी के सिक्के डाले जाते थे खुशी में, जो कि बाद में आम लोगों में बांटे जाते थे। ये रास्ते देखिए कितने नैरो हैं। ये इसलिए ऐसे बनाए जाते थे क्योंकि एनिमी वन बाय वन अंदर आए, ना कि ग्रुप में। ये गार्डन 4th फ्लोर पे बना हुआ है और ये बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच है। इसके नीचे एक भी कमरा नहीं है। सो ये शीश महल है। यहाँ पे सब कुछ मिरर से बना हुआ है, फ्लोर, वॉल्स एंड फ्लोर। यहाँ पे किंग और क्वीन रहते थे, ये उनका बेडरूम था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दीवारों पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं और पोर्ट्रेट्स भी बने हुए हैं। तो उस टाइम पे अभी के जैसे फ़ोटो एल्बम्स नहीं थे, इसलिए यहाँ पे ये फ़ोटो एल्बम बनाई गई है उस टाइम पे। इसी रूम में बैठकर उस टाइम के जो फेमस राइटर थे श्यामल दास जी, उन्होंने पूरे मेवाड़ का इतिहास लिखा था। उस बुक का नाम है वीर विनोद। सो ये मोती महल है रानियों के लिए। यह है दीवाने खास। और आप जो ऊपर में डिज़ाइन देख रहे हैं, ये 1874 में बनाया गया था, रिकंस्ट्रक्ट किया गया था सब कुछ, और पूरा बेल्जियम ग्लास से बना हुआ है। इसमें कलर यूज़ नहीं किया गया कोई भी, ओनली बेल्जियम ग्लासेस यूज़ किए गए हैं इसमें। ये देखिए रास्ते कितने नैरो बने हुए हैं। ये सिक्योरिटी पर्पस से ऐसे बनाए जाते थे क्योंकि अगर शत्रु ने हमला कर दिया तो शत्रु अंदर एक एक करके आए, ना कि ग्रुप में। ओके गाइस, सिटी पैलेस म्यूजियम पूरा देख के हो गया है। जितना कवर कर सकता था उतना कवर किया है। अभी हम निकल रहे बाहर। अभी क्या करेंगे आई डोंट नो, बाहर निकलने के बाद डिसाइड करेंगे। चलो मिलते हैं, बाय।
निकल रहे बाहर फाइनली। 6 बज रहे हैं और पैलेस बंद हो रहा है, तो निकल रहे फिर अभी हम लेक पैलेस। यही लेक पैलेस और जो आगे में दिख रहा है वो जग मंदिर। तो ये अभी दोनों, पहले ये राजा के अंडर में थे, अभी 5-star होटल्स हैं दोनों। गाइज मेरा बैटरी बहुत लो है, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। चलो गाइस रूम पे निकल रहे हैं, अभी बजे हैं 8। रूम पे जाके कुछ खा लेंगे, यानी होटल पे जाके कुछ खा लेंगे। ये था गणगौर घाट, काफ़ी पीसफुल था यहाँ पे। शायद से हम 1-2 घंटा बैठे आराम से शांति से। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। गाइस जो ये दिख रहे हैं ना ऊपर में पैलेस, वो है मॉनसून पैलेस पहाड़ के ऊपर।